वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2018 का जो WBCS पेपर था उसका सारा का सारा आंसर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ओके, 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश से आया हुआ था उसका आंसर डिस्कस कर दिया है। और इस वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और एक बात बताऊँ कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं WBCS से रिलेटेड, उसमें से मोर देन 30 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जब मैंने उनको डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन में कहा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें और उसको नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ वोन द 2017 फीफा कन्फेडरेशन कप। ओके, तो 2017 फीफा कन्फेडरेशन कप जीता था जर्मनी ने, तो आपका आंसर है ए। ओके, जर्मनी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदवाना धर्मोद्रक प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ, तो इसका आंसर है आपका बी, शिवाजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजपूत रूलर वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, इसका आंसर होगा आपका डी, जसवंत सिंह। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन 1940 ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपको इसका आंसर सही पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज बाइसेक्टेड इंटू टू हाफ बाई, ओके, इसका आंसर है आपका सी, भागीरथी रिवर। नेक्स्ट 29, हु डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज बाई फार द मोस्ट सीरियस रेबिलियन सीन्स 1857, तो ये कहा था आपका वाइसराय लॉर्ड लिलिथगो, ये मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। ओके, और 1942 में यही वाइसराय भी थे। नेक्स्ट है, हु चेयर्ड द सेकंड इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, तो इसमें आपका सुषमा स्वराज और शहाबुद्दीन रब्बाई दोनों ही आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पार्टी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, ओके, तो सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी जो फाउंड किया था वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत सारे स्टूडेंट ने मार्क किया आज़ाद हिंद फौज, बट ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके फाउंडर थे राज बिहारी बोस, बाद में उन्होंने इसको हैंड ओवर किया था सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबको कोडिंग किया गया है, जैसे पी को कोड किया गया है 7 से, ओके, यू को कोड किया गया है 3 से, इसी तरह आपको बताना है ये जो यहाँ पे जो नंबर दिया गया इसका कोड क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा डी। ओके, डी आपका सही आंसर है, प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज क्रिएटेड फर्स्ट मिलिट्री साइबर डिवीजन सीकिंग टू एक्सपांड द हैकिंग अटैक ऑन फॉरेन स्टेट इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट, इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, बी सही आंसर होगा। फाइंड द ऑड वन आउट, तो ये तो बहुत ईजी था, इसमें से ऑड सर्किल ही है। ओके, बी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पजल्स नहीं बोल सकते क्योंकि ये इतने डिफिकल्ट नहीं था। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, और इसका आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा आपका सी, चिराग एंड एला। ओके, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, सबका सॉल्व आपके सामने डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट कॉल्ड मंगोल सैट 1, ठीक है, तो नाम है मंगोल सैट और आंसर भी है मंगोलिया। ठीक है, नाम से पूरा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन फॉल्स अंडर, तो ये है आपका कंकरेंट लिस्ट में। ओके, तो आपका आंसर है सी। 45, सिक्किम बिकेम द फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया इन, तो ये बना था आपका 1975 में, आपका आंसर होगा बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एज पर लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, तो इंडिया का जो पोजीशन है वो है 100। ओके, ये आपका सही आंसर है। 46 क्वेश्चन नंबर, हु फाउंडेड द खालसा,
तो ये आपको इसके फाउंडर है सी गुरु गोविंद सिंह, सी आपका सही आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 में आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच, इसका आंसर होगा आपका टीपू सुल्तान, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑथर हैज़ बीन ऑर्डर्ड द टाइटल कंपेनियन ऑफ ऑनर्स ऑन दिसंबर 12, 2017। ओके तो इसका आंसर आपका ए जे के रॉलिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द लार्जेस्ट आर्सेनिक डी कॉन्टेमिनेशन प्योरिफिकेशन प्लांट इन वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड एट, तो ये आपका फरक्का, मैंने बहुत बार बोला आपको कि आप फरक्का वैली से जरूर पढ़ना, फरक्का वैली से हर साल मोस्टली क्वेश्चंस आते ही है। नेक्स्ट 48, फिस्कल डिफिसिट इज, ठीक है फिस्कल डिफिसिट क्या है, वो ए है बी सी तीनों है, तो आपका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। मुस्लिम लीग हैड एक्सेप्ट माउंट मेटन प्लान बिकॉज, क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को क्रिएट करेंगे। ओके इट हैड द प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कोलकाता मुंबई नेशनल हाईवे विया आगरा इज नोन एज, तो इस रास्ते को क्या बोला जाता है, इसके आंसर भी मुझे सही से नहीं पता, ठीक है इसका आंसर भी अगर आपको पता चले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द थर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर 2017 वाज अवार्डेड टू जापानीज प्रोफेसर, तो इसका आंसर होगा आपका, आंसर है आपका ए हिरोशी मारुई। ओके ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज, ये क्वेश्चन मेरे वीडियो में डिस्कस किया गया है, ठीक है आंसर है आपका ज्योतिबा फुले, डी सही आंसर है। ओके 51, ऑन एवरेज एयर कंटेन्स हाउ मेनी परसेंट ऑफ वाटर वेपर, तो इसका आंसर होगा आपका ए 1%। ओके नेक्स्ट है आपका एपिको मूवमेंट एसोसिएटेड विथ नेचर कंजर्वेशन वॉज लेड बाय, 57 क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा सी पांडुराव हेज ऑफ सीरसी। ओके सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति ऑफ धक्का, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियो में, आंसर आपका पी दास पुलिन दास। ओके नेक्स्ट द स्पीड ऑफ सॉयल इज फास्टर इन सॉयल, स्पीड ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ साउंड है फास्टर है वो आपका लिक्विड में सॉलिड में। ओके ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्स अंडर, ओके तो इसका आंसर हो आपका बी नन प्लान एक्सपेंडिचर, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव हैव द सेम, तो इसका आंसर होगा आपका स्पीड ऑफ वैक्यूम, सेम स्पीड ऑफ वैक्यूम। ओके डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियंस इन ग्लासगो, ओके तो पीवी सिंधु जो है ये फाइनल में आपका हार गई थी और आपका जीती थी नोजोमी ओहुरा। ओके सी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच सिटी हैज सेट टू द होस्ट इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल फ्रॉम अक्टूबर 26, 2017, तो ये क्या था आपका ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अक्टूबर 31, 1920, तो ये थे आपका लाला लाजपत राय, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, लीडर ऑफ द लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज, लखनऊ की लीडर कौन थी, तो ये थी आपका बेगम हजरत महल, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज, ओके आंसर है बी 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, हु द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम 2017 विटनेस द रिलीज ऑफ द विच डॉक्यूमेंट्स, ओके तो 63 का आपका आंसर होगा आंसर है आपका ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, ओके नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेटेड रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, मैंने ये अपने वीडियो बताया है। ओके रेलवे टेलीग्राम का ये होगा आपका लॉर्ड डिलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68,
हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पज, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़, ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया था। ओके, पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए थे। 69 विच बैंक मेड इनॉग्रल इवेंट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल ब्रांच नेम कैंडी इन बेंगलुरु रिसेंटली, तो इसलिए आंसर आपका कैनरा बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मसल्स फैटिक इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, सी आपका सही आंसर है। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो बॉडी में पेन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, तो ये लिखा है आपका रघुराम राजन ने। ओके, और ये जो उर्जित पटेल है, ये रघुराम राजन जो है ये एक्स चेयरमैन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और अभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुए हैं वो उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इफ़ यू ऐड सॉल्ट टू प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, आंसर है आपका ए इंक्रीज। ओके, पानी में अगर हम लोग नमक डालें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 67, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड बाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फाउंडर है आपका डी राज बिहारी बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 5th of December बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसका आंसर है आपका वर्ल्ड सॉइल डे, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल इंटाइटल न्यू लैंप्स ऑफ ओल्ड, तो इसका आंसर है आपका ए अरबिंदो घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, जे बी कृपलानी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, शॉर्ट साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय अ, तो इसका आंसर होगा आपका कनकेव लेंस, बी सही आंसर होगा। ओके, कनकेव लेंस। नेक्स्ट 75, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर 16 ग्लोबल रिटेल इंडेक्स पब्लिश्ड इन 2017, तो इसमें आपका फर्स्ट रैंक में है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, तो उस वक्त है आपका मीर कासिम। ओके, आप कंफ्यूज मत होना, मीर जाफर मत देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज एडॉप्टेड बाई द कांग्रेस इट्स कराची सेशन। ओके, डी आपका सही आंसर है, कराची सेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत बार मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, 26 नवंबर 1949 आपका सही आंसर है, और केम इनटू फोर्स आएगा तो 26 जनवरी 1950, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, देर आर सिक्स बॉक्स ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 82 का डी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट 77 आपका ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, इसको भी सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा नाइस एंड अंकल, निस एंड अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच कंट्री सेलिब्रेटेड इज फर्स्ट गे मैरिज ऑन October 1st, 2017, तो ये है आपका ए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 679, रेड प्लस ग्रीन प्लस बी ब्लू, आपने सुना होगा RGB, तो इज इक्वल टू होता है व्हाइट। ओके, यहाँ पे आपका बनेगा व्हाइट कलर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वॉज ऑब्जर्व ऑन विच टाइम इन 2017, 83 आपका आंसर होगा ए। ओके, टुगेदर वो पीस रेस्पेक्ट सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 84, द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन मैन इज 20। ओके, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, तो हिंदू पैट्रियट का ऑथर है आपका हरीश चंद्र मुखर्जी, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ये आपका डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी, डी आपका पूरा सही से मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हु डिनाउंस द कांग्रेस एज माइक्रोसॉफ्टनिक
माइनॉरिटी। ओके क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली गई थी तो यही वाइस रॉय उस वक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द छोटा नगर प्लेटू इज प्राइमरली कंपोज ऑफ, ठीक है आंसर होगा आपका डी गोंडवाना कोल सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी गया है। ओके आर्टिकल 40 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पॉइंट आउट द लेटर विच रिप्रेजेंट इंडियंस हिस्टोरियंस बट नॉट पॉलिटिशियंस, ठीक है इसको सॉल्व करें तो आपका देखिए यहाँ पे आपका जो बी है ना यही है, ये आपका हिस्टोरियन भी है इंडियन भी है बट पॉलिटिशियन नहीं है, तो आपका आंसर होगा ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ओके ये मैथ्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ओके देखिए इसका जो रेशियो पूछा है ये पूरा इसका पेरीमीटर, और आप सोच रहे होंगे इसका ये सिर्फ इसका नहीं इसके साथ ये भी पेरीमीटर, ये रेडियस और ये रेडियस है, ये सारा का पेरीमीटर आपको रेशियो निकालना है। ओके तो आपको फॉर्मूला अगर पता है तो ये भी आपका रेडियस है ये भी रेडियस है 2r हो जाएगा। ओके और सारे का जो नॉर्मली जो पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2πr, आप उसको रेशियो करके नेक्स्ट में 2r प्लस 2πr डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर आएगा बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इनॉग्रेटेड द 77th सेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इन विच स्टेट, तो ये क्या था आपका केरला में। ओके ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 94, अमाउंट ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन नॉर्मली कैरिड बाई 100 ml ऑफ प्योर ह्यूमन ब्लड इज 20 ml, आंसर होगा आपका सी 20 ml। नेक्स्ट व्हाट इज द टाइटल ऑफ स्पेशल कवर ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट फीचरिंग दीपक कर्मकार साक्षी मलिक एंड पी वी सिंधु, तो इनको जो मिला था वो मिला था आपका प्राइड ऑफ नेशन। ओके गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया प्राइड ऑफ नेशन भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, बनगांव एंड कोलकाता इज कनेक्टेड बाई नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे, ये है आपका NH 35। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप बाई द कांग्रेस, तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू। ओके बी आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 98, अम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन वॉज ऑरिजिनेटेड इन, ये आपका कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ था, तो ये हुआ था आपका सी स्वीडन में। ओके स्वीडन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द वेल, वेल का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये है आपका लंग्स। ओके वेल भी लंग्स से ही सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ वन चेयरपर्सन एंड फोर मेंबर ऑफ अदर मेंबर। ओके मतलब टोटल 5 होते हैं जिसमें से एक हेड रहता है और 4 अदर मेंबर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, इफ परसेंट इंक्रीज इन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 300। ओके अगर आपका रेडियस कोई भी सिलेंडर में, ओके ये सिलेंडर है अगर आपका, इसमें अगर आपका जो रेडियस है ठीक है ये पार्ट, ये रेडियस है अगर आप ये आपका 300% बढ़ रहा है तो आपका पूरा वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 1500%, ये आपका आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हु रोट द बुद्ध चरित, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आसपा घोषा सही आंसर है। ओके बी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, द हेड क्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आंसर है आपका कोलकाता। ओके बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नाइदर हार्ड वर्किंग नोर एम्बिशियस, रीजनिंग का क्वेश्चन है ठीक है, अगर आप सॉल्व करें तो आपका आंसर मिलेगा सी हैरी। क्वेश्चन नंबर 102, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है, आपको देखना है कौन सा सही है और सही ऑर्डर में आपका बी। ओके बी आपका बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, छिलका लेक, तो ये मैंने डिस्कस किया अपने वीडियो में, ये है आपका सॉल्ट वाटर लेक। ओके नेक्स्ट 107, विच सोशल रिफॉर्मर वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज पेरियार, तो पेरियार कहते हैं आपका राम से निकर को, ये आपका सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, विच बुक डिपिक्ट द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर, तो ये आपका नील दर्पण। ओके और नील दर्पण का जो राइटर है वो है दीनबंधु।
ए में उनके राइटर का नाम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट इज कॉल्ड, तो इसे क्या आता है आपका वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, द हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज और लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ओके, बी आपका सही आंसर है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात, सॉरी नॉट लोकेटेड इन गुजरात, तो इसका आंसर आपका बनवाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा बी। ओके, आर ई बी एस जेड, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, तो ये है विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न पटना एंड गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये आपका मगध, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, द हाईएस्ट पीक ऑफ इन इंडिया K2 इज ऑल्सो नोन एज K2, को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ओके, आप काराकोरम से इसको कंफ्यूज मत होना, काराकोरम, ये के का मतलब है काराकोरम। ओके, काराकोरम रेंज में है इसीलिए इसे K2 कहते हैं, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ रामनाथ गोविंद, तो ये है आपका संजय कोठारी। ओके, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इन वाइल्ड इन अ सर्किल एज इट वॉज रिवॉल्विंग द रोप सडनली स्नैप्स देन द स्मॉलेस्ट फ्लाइट ऑफ टेंजेंटियली, आपका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट, हु प्रोपगेटेड हिंदू, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका सी होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसका आंसर बी भी हो सकता है बट सी होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड पार्टली इमर्ज्ड द बॉडी एंड द लिक्विड आर टेकन टू मून द बॉडी, तो इसका आंसर होगा आपका बी। ओके, सॉरी सी आंसर होगा, फ्लोट विद द लेजर पार्ट इमर्ज्ड, आपका आंसर सही होगा सी। और ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं किया हूँ क्योंकि इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट 120, हु वॉज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन द नन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये होगा आंसर हसरत मोहानी, डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, ये है आपका रीजनिंग, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी। ओके, केन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इन वेस्ट बंगाल रेल वैगन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो ये होता है आपका लीलुआ, कचड़ा पाड़ा एंड दमदम, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, USB इज द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, जो सेकेंडरी मेमोरी है ये। ओके, USB इज द सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी आपका रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, आंसर होगा आपका बी विंक। 128, बाई हाउ मेनी स्टेट लाइन, क्वेश्चन नंबर जो 128 है इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन फिगर। ओके, इस फिगर में कितने सारे स्ट्रेट लाइन है, तो ये है आपका 16। ओके, या आप अगर खुद से बनाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, यही नक्शा होगा अगर आप स्ट्रेट लाइन ऐसे करके उसे बनाए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, इस तरह अगर बनाएंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि 16 आंसर होगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, द एक्टिव डेल्टा ऑफ द गंगा इन इंडिया लाइज हियर, ओके, ये है सुंदरबन, आंसर है आपका बी सुंदरबन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 124, आपका क्वेश्चन है 10th इंडिया जॉर्डन मोरक्को ट्रेड एंड इकोनॉमिक जॉइंट कमिटी कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एट, ओके, तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, बी आपका सही आंसर है। 125, हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे वीडियो में भी डिस्कस किया गया है, मेगास्थनीज आपका आंसर है। ओके, मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्या के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, अ क्लॉक स्ट्राइक एट 1 degree क्लॉक ट्वाइस एट, मतलब अगर एक बजता है तो आपका एक बार रिंग होता है, टू बजता है दो बार होता है, तीन बजता है तीन बार होता है, तो कितना बार आपका होगा एक दिन में। ओके, तो यह हो आपका 1312 बार, आप देखेंगे 12 घंटे में आपका आएगा 78 इंटू 4 करेंगे तो आपका आंसर होगा 3312। ओके, 130 क्वेश्चन नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो ये है आपका जावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेयर डिड द गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन सारनाथ,
जब मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बहुत बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, एन इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ वोन क्या है, बल्जन प्राइज 24 कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसका आंसर है आपका बीना अग्रवाल। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आंसर होगा आपका डी, बीना अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 है, द डोगरास इनहैबिट मेनली। ओके, इसका आंसर भी मुझे नहीं पता, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना 133 का। ओके, 134, तिलक फॉर्म हिज होम रूल लीग। तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक। ओके, 1936 में उन्होंने पुणे में स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग्स। डी सही आंसर है। नेक्स्ट 139, इन इंडिया द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट 24 परगना। बी सही आंसर है। 140, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोराइड इज बाय डी ऑक्सीडेशन। ओके, डी आपका सही आंसर है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो ये आंसर आपका स्वराज पार्टी। ओके, इसका आंसर भी शायद मैं श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 136, हु वाज रेफर्ड टू एज सेंड्रोकोटस इन द राइटिंग ऑफ द ग्रीक्स। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियोज़ में। और एक बात, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 137, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यह है सीरीज, और सीरीज में आपका आंसर आएगा 9। ओके, जैसे 3 + 3 + 3। ओके, इस तरह 8 + 6 = 14, 14 + 6 = 20। इसी तरह आपका आंसर होगा डी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंसिडरिंग GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कौन सा नहीं कंसिडर करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम को कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द माउंटेन रेंज लाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए, लुशाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ द रोहित एंड अक्षर 12 ईयर्स। देखिए, इनके रेशियो में डिफरेंस है 3:5, मतलब 2, और इनके एज में डिफरेंस है 12। तो आप 12 को डिवाइड कीजिए 2 से। ओके, और मल्टीप्लाइड कर दीजिए जो पूछा है यहाँ पे, किसका एज पूछा है, द एज ऑफ अक्षर, अक्षर का एज 3:5 में 5 किसका है, अक्षर का है, तो 5 कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ओके, बहुत इजी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, हु रोट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखा, ये लिखा अल बैरूनी ने। ओके, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है आपका, केमिकल नेम ऑफ विनेजर इज। ये मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था विनेजर के बारे में। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर भी आपका डिल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, MSc का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, नीति आयोग इज सेटअप बाय। तो ये आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके, सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, सेवन कमीशन ऑफ 1927 वाज बाइकॉट। बिकॉज इसे बाइकॉट इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंडिया का मेंबर नहीं था। तो आपका आंसर है ए, देर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। ओके, आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, 8% ABCD। ठीक है, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, इस तरह से अगर आप बनाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आंसर आएगा इसमें ई। ओके, बी आपका आंसर होगा, ई आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट 152, अभिनव भारत अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉज ऑर्गेनाइज बाई। इसका आंसर होगा आपका VD सावरकर। ओके, बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, द टर्म PVC यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर। तो ये होगा आपका ए, आंसर होगा आपका ए। ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, रोहिलखंड रीजन लाइज इन। आपका आंसर होगा सी, नॉर्थन उत्तर प्रदेश। ओके, सी आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 154 देखते हैं। इन 2000 द बर्थडे ऑफ नेताजी, ये आंसर अगर आप इसको, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है ओके, इसको आप बनाएंगे तो आंसर आएगा आपका फ्राइडे। अब थर्सडे में मार्क मत करना ठीक है, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है इसमें, और वो थर्सडे में मार्क किया है बहुत स्टूडेंट, तो आपका सही आंसर होगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ओके। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट का बीमारी होता है, और ये बीमारी बच्चों को होता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, विच गुप्ता रूलर रिपुल्स हुन इन्वेंशन ओके, इसका आंसर होगा आपका स्कंदगुप्त, सी सही आंसर होगा। 155, द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान आइलैंड इज, द हाईएस्ट पीक क्या है, वो है सिडल पीक ओके, सैडल पीक आंसर होगा आपका ए। हु वॉज द ऑथर ऑफ ब्रह ब्रह संहिता, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ओके। ब्रह संहिता का ऑथर कौन है, वराह मीरा, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग, ठीक है आंसर होगा आपका बी जिप्सम। नेक्स्ट 158, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फोर्सिंग अ पर्सन टू अंडरगो पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट एज वायलेटिव ऑफ, तो ये है आपका आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 23 ओके 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के लीडर थे आपका लाला हरदयाल, बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, तानुश्री इज अ डांसर, डांसर आर यंग लेडीज ओके, ये है आपका सिलोग ओके, सिलोग में आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी, तानुश्री इज अ यंग लेडी डांसर, ये बहुत ईजी था ओके, तो डी मतलब आपका आंसर भी है डी, ऑप्शन नंबर डी। 164, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत, सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत बार बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी गया ठीक है, तो आपका आंसर है 73 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 160, क्वेश्चन नंबर 160 है, इन इंडिया कास्ट लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड इन ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट 161, विच कंट्री हैज अनाउंस डैट इट हैज कैरिड आउट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बम टेस्ट, इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ कोरिया, बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 162, विच हिस्टोरियन इज फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर होगा सी रामचंद्र शर्मा, और एक है राखल दास बैनर्जी ओके, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। 165, विच नॉबल लिटरेचर लिटरेट वॉज मेड द सेंट ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च इन सेप्टेम्बर 2016, 165 इसका आंसर होगा आपका सी मदर टेरेसा ओके। नेक्स्ट 166, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉल्फिन्स नन एट विशाखापट्टनम इज एस, आंसर होगा आपका सी ओके, नेशनल प्रोडक्शन एंड हार्बर एंड डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडचोला ओके, तो इसका आंसर होगा आपका राजेंद्र वन, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 भी आपका रीजनिंग है ओके। वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स अजय एंड अमल वे आर टॉकिंग टू इच अदर, देखिए ये क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो शाम के वक्त आपका जो सूरज होता है वो इस साइड होता है ओके, वेस्ट में होता है, अब ऐसे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है। दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, एक का आपका बताएगा शेडो, शेडो यहाँ पे पड़ रहा है, तो दूसरा का शेडो आपका कौन तरफ है, या फिर उसका डायरेक्शन का फेस किस साइड में है ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा बी साउथ ओके। नेक्स्ट 169, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्गुमेंटिव इंडिया राइटिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आइडेंटिटी, तो इसका आंसर होगा आपका सी अमर्त्य सेन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, हु ब्रोक द पावर ऑफ चहलगनी नोबल्स, इसका आंसर होगा आपका ए गयासुद्दीन बलबन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास, ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 मैथ्स है ओके, वर्क एंड ये इसका आंसर आएगा आपका ए 8 मिनट्स, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एज पर आरबीआई मींस, मींस आपका ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है।
ओके ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर 171। डैश इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, यह बैरन आइलैंड ओके एक्टिव वोल्केनो है। हु फाउंडेड कृष्णा प्रजा पार्टी, तो इसको फाउंड किया था आपका फजलुल हक ने। ओके ए आपका सही आंसर है, फजलुल हक ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। द सेकेंड मीटिंग ऑफ द गवर्नर काउंसिल ऑफ नीति आयोग एम्फेसाइज ऑन, इसका आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। ओके दोनों ही सही है, डी आपका आंसर होगा। 178। हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2017, तो ये है आपका सी ओके काजुओ इशिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। हु इज द सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ चाइल्ड राइट वीक 16 नवंबर 2017, ये आपका हौसला 2017, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज टेकन प्लेस थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ, तो ये आपका ए भी सही है बी भी सही है, तो आपका आंसर होगा सी बोथ एंड बी। ओके 181। हु रोट द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी किसने लिखा, तो ये भी लिखा आपका ज्योतिबा फूले ने, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, ये भी आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका हैंड, डी आपका सही आंसर होगा। ओके 186। हु अमंग द फॉलोइंग हिंदूज फर्स्ट जॉइंट दीन इलाही एंड तौहीद इलाही, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया अपने वीडियो में, आंसर होगा आपका बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बद्रुन तैयब जी, आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। विच स्टेट हैज द बेक टू द टॉप स्पॉट ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमंग द फॉरेन, ओके तो मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आपका टीएम तमिलनाडु। ओके ऑप्शन नंबर डी आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा, तमिलनाडु आपका सही आंसर होगा। बहुत कुछ सोच रहा होगा कि यूपी हो सकता है आंसर क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है, बट नहीं आपका आंसर है आपका तमिलनाडु। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन 183 है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये करते हैं आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हु इज द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2015, 2015 में इस अवार्ड को ये अवार्ड किसको मिला था, ये मिला था आपका मनोज कुमार को। ओके ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 185। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिंग रोड फॉर न्यू दिल्ली, ओके रिंग रोड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपका इट अवॉइड द मेन सिटी क्रॉसिंग, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 189। पी इज ग्रेटर देन क्यू 60% एंड आर 30%, इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 13:16। एट प्रेजेंट द जे एन एन यू आर एम प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर होगा आपका सी ओके फंड्स प्रोजेक्ट इन सिटीज एंड विलेजेस फॉर ट्रांसपोर्ट हाउसिंग एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। सती ऑफ हिंदू वुमेन वॉज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पायर, तो ये है आपका अकबर, अकबर के टाइम पे यह प्रोहिबिट था ओके सती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज सिंगापुर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये आपका हलीमा याकूब ओके सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 196। नेम द कंट्री विच हैज इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग पीपल टू सीक टू ट्रेडिशनल नेशनल क्लोथ एंड कल्चर, आंसर होगा आपका ए ताजिकिस्तान ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 197। हु कम्प्लीटेड कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को किसने कम्प्लीट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था बनाना, कम्प्लीट किया था आपका इल्तुतमिश ने ओके सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 ये मैथ्स है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा 44%, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194। द ब्रेकडाउन प्लान इन 1946 फॉर ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडिया हैड बीन प्रपोज्ड बाय, ये है आपका 1946 में वो वाइस रॉय भी थे लॉर्ड वावेल ओके वाइस रॉय लॉर्ड वावेल, मेरे वीडियो में डिस्कस किया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट 198 ये भी मैथ्स है, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5:9, ये बहुत ईजी है ओके मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 199। इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हुआ है ठीक है, बहुत स्टूडेंट ने आंसर दिया 8
8:35, बट ये गलत है। आंसर होगा आपका 7:35। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे जो 4 बज रहा है, जब 4:25 होगा ना, तो जो छोटा वाला आपका कांटा है वो 4 से आगे चला जाएगा, मतलब वो 7 से आगे चला जाएगा, तो आपका 7:35 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। ड्राई पोर्ट इन वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड इन, तो ड्राई पोर्ट आपका है कोलकाता एंड हल्दिया में। ओके, मीन्स का आंसर सिर्फ कोलकाता भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट गेव क्लियरेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द स्कूल एजुकेशन, पेविंग द वे ऑफ प्राइवेट ऑनर्स टू लाइक ओवर द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो यह है आपका आंसर होगा लास्ट वाला, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, तो ये था वीडियो हमारा 2018 का WBCS एग्ज़ाम का सारा आंसर की। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।